नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि राजद के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिग्गज वकील होने के साथ साथ पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके हैं राम जेठमलानी, और उनका निधन हो गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के दिग्गज वकीलों में शुमार राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। जेठमलानी देश के सबसे बेहतरीन वकीलों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े केस लड़े और जीते भी। जेठमलानी दिग्गज वकीलों के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके हैं। राम जेठमलानी पिछले दो हफ्तों से गंभीर तौर पर बीमार थे। बता दें कि राम जेठमलानी ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपियों से लेकर चारा घोटाला के मामले तक आरोपी लालू प्रसाद यादव तक का केस लड़ा। इसके अलावा वो संसद पर अटैक मामले में अफजल गुरु से लेकर सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में अमित शाह का केस भी लड़ चुके थे। आज़ाद भारत के इतिहास में कई मोड़ पर राम जेठमलानी काला कोट पहने खड़े दिखाई देते थे। एक समय पर देश के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शामिल रहे। जेठमलानी ने कई चर्चित मामलों में मुफ्त मुकदमा भी लड़ा। तो आपको बता दें कि राम जेठमलानी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और वो अभी फिलहाल राजद थे, राज्यसभा सांसद थे और सीनियर वकीलों में शुमार थे। अपने अंदाज और अपने तेवर में कभी भाजपा में रहे जेठमलानी अटल बिहारी कैबिनेट में मंत्री बने थे। बाद में पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने उतर गए थे। जेठमलानी ने जो प्रमुख केस लड़े थे उनमें नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, हर्ष मेहता स्कॉट मार्केट स्कैम, हाजी मस्तान केस के तहत बहुत सारे केसेस जो है उन्होंने लड़े। जेठमलानी ने 7 दशक के लंबे वकालत के करियर में संन्यास लेने की घोषणा साल 2017 में की थी। 94 साल की उम्र में जेठमलानी ने 7 दशक लंबे वकालत के करियर से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि वो भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सीनियर एडवोकेट और राजद के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पिछले दो हफ्तों से गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार उन्होंने आखिरी सांसें ली। आपको बता दें कि 95 साल की उम्र में राम जेठमलानी का निधन हुआ है। इधर राम जेठमलानी के निधन के बाद से शोक की लहर भी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जेठमलानी के निधन पर शोक जताया है। इसके साथ ही साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भी राम जेठमलानी के निधन पर शोक जताया है। तो आपको बता दें कि राम जेठमलानी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, इस खबर पर और भी क्या कुछ अपडेट आती है हम आपको वो भी देंगे। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों में बने रहने के लिए हमारे livecities.in पेज पर जाएं। धन्यवाद।